हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो रिव्यू करने वाला हूँ, मुझे बहुत मुश्किल से मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढा है और बहुत सस्ते रेट में। बॉश का ब्लोअर है 620 वॉट का। मुझसे कोई कहता था ये अमेज़ोन पे 3600 का मिलता है, कोई कहता है 3000 रुपये का मिलता है। एक दुकान से मैंने ट्राई किया था, वहाँ पे 2600 का था। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दुकान का नाम नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं उस दुकान की प्रमोशन नहीं करना चाहता। ये मैंने ख़रीदा है अजमेरी गेट दिल्ली से और आप देख सकते हो ये मेरे को कितने रुपये का पड़ा है विद GST। मेरे को पड़ा है 2242 रुपये का। ये मैं ख़रीद के लेकर आया हूँ दिल्ली में, अजमेरी गेट नाम की जगह है। मेरी कहीं वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके अगर ट्राई करोगे ना, अगर आप नॉर्मली भी किसी दुकान पे जाओगे 2400 रुपये का आराम से देते हैं और मैंने ये ख़रीदा 2200 रुपये के आसपास का, जो मैंने आपको दिखा दिया रेट, अब 2242 रुपये। अब मैं आपको खोल के इसके अंदर का रिव्यू दिखाता हूँ क्योंकि सन 2021 के अंदर का जो मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा है ना, इसमें बहुत सारे अटैचमेंट कंपनी ने हटा दिए हैं। मैं आपको इसकी तुरंत अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखो, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इसकी सील पहले ही खोल ली थी। सील यहाँ पे होती है, जब भी आप खरीदो तो ये बंद होना चाहिए, लेकिन मैंने खोल रखा है क्योंकि मैं अंदर अटैचमेंट देखना चाहता था। ये नॉर्मली आपकी एसी की सर्विस के लिए या ब्लोइंग वगैरह के लिए आता है कि आप सूखे में कहाँ सफाई करना चाहते हो। MRP ये रही इसकी 3655 रुपये। मैं कैमरामैन कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखा दे। अब इसके बाद अनबॉक्सिंग में देखो मेरे पास क्या क्या निकला इसके अंदर से। इसके अंदर एक तो ये ब्लोअर है, इसकी कोई पैकिंग नहीं है, बबल पैकिंग। रास्ते में टूटे फूटे सब जो है कस्टमर की जिम्मेदारी है, इनको कम से कम बबल पैक में रैप करके देना चाहिए था प्रोडक्ट। सूखा एक तो ये निकला है इसके अंदर, आप देखो, और एक इसके अंदर निकला है ये अटैचमेंट। बाकी सारे अटैचमेंट नहीं है एक्चुअल में। ये थोड़ा सा गंदा इसलिए हो रहा है, मैंने एक बार इसको चला के भी देखा था और थोड़ी सफाई करके देखी थी कि ये एक्चुअल में वर्क करता है या नहीं करता। और इसके साथ ये दो, एक वारंटी कार्ड मिला है और एक ये मैनुअल है कि कौन सी चीज़ कैसी यूज़ करनी है। इसको साइड में रख के अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले इसको फिक्स कैसे किया जाता है। और भी आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बताने का बता देता हूँ। देखो इसके अंदर ये हुक है और एक इसके अंदर भी है, देख सकते हो। इसको फंसाना होता है इसके अंदर। ये ट्विस्ट हो गया, जब ये ट्विस्ट हो जाएगा तो ये ना कहीं बाहर नहीं निकलेगा, चाहे जितना मर्जी काम कर लो। ये इसका लॉकिंग का स्विच है। जब ये तो नीचे स्विच हो गया इसका, इस साइड से देखो आप, ये तो स्विच हो गया इसका, ये दबाने से ये ऑन या ऑफ होगा। दोस्तों देखो, मैं इसको उड़ा के दिखाऊंगा आपको। देखो जरा सा स्विच करते ही उड़ रहा है, और बड़े वाले को भी दिखाता हूँ। दोस्तों इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त पावर है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये लॉकिंग स्विच होता है। इसको जब आप ऑन करके इसको आगे कर दोगे तो परमानेंट लंबे काम के लिए स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जितनी मुझे टेक्निकल नॉलेज है, आप इसको ज़्यादा लंबे समय तक मत चलाना क्योंकि यहाँ से जो आपके वो होते हैं ना कार्बन, वो ख़त्म हो जाएंगे, घिस जाएंगे बिल्कुल। जितना ये मोटर गर्म होगी कार्बन घिस जाएंगे, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने चेंज नहीं किया, इसकी चलने की जो ताकत है लगभग 100 से 125 घंटे की है, अगर आपने इसको चेंज नहीं किया तो आर्मेचर उड़ जाएगा, लगभग 1600-1700 रुपये का सीधा खर्चा है, जितने में कि थोड़ा पैसा डाल के नई मशीन आ जाएगी। यहाँ से इसके गिरते हैं कार्बन, किस दिन में आपको कार्बन भी, दो कार्बन गिरते हैं, एक इधर और एक इधर। इसका कार्बन का सेट 100 रुपये का है, बॉश कंपनी का ओरिजिनल। अब मैंने आपको ये रिव्यू तो दे दिया कि ये प्रोडक्ट कैसा है, आपको इस साइड से दिखाता हूँ। देखो ये कोशिश करता हूँ, ओपन करके देखते हैं कि ये उड़ेगी कैसे। इसके ऊपर जो ये इनपुट पावर है ये 620 वाट है, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। जो एयर फ्लो है वो 3.5 m³ पर मिनट है, इसकी मुझे नॉलेज नहीं है मैंने, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। हाँ ये आपको बता देता हूँ, ये जो RPM होता है इसका मतलब होता है अराउंड पर मिनट।
ये इसकी जो मोटर है वो 16,000 बार घूमती है 1 मिनट के अंदर, तो जो कि बहुत फास्ट है, और इसका वेट है 1.7 kg। तो दोस्तों आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा? मैं आपके लिए ऐसे नए नए प्रोडक्ट जनरल लेके आता रहूँगा, लेकिन मैं क्वांटिटी में वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मैं बहुत ट्राई करके रीजनेबल रेट पे ही ये प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ऑनलाइन चीज़ कितने की मिलती है और ऑफलाइन कितने की मिलती है, उसका डिफरेंस पता लग जाएगा। तो मैं मिलूँगा आपको बहुत जल्दी नई वीडियो में। वंदे मातरम।